कब से फिर सब लोग का स्वागत है। अभी के बज रहे हैं 10 यार बना गुड मॉर्निंग। और आज मैं जा रही हूँ, कुछ काम है मेरे को अर्जेंट, इसलिए तो नमिता लोग और हिंदू अभी तो दोनों बहुत ज्यादा फाइटिंग कर रही है, मतलब लड़ाई कर रही है। क्या बोले, काम का वजह से अभी बहुत ज्यादा और इन लोगों ने काम इतना है और ये लोग सो के और फ्री फायर खेल रहे हैं। हाँ मौज में ही अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ दोस्तों। और हम लोग का घर पे अभी धान पक गया ना, तो यही काटना है, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा काम है, लेकिन मेरे को काम है तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। इंदू ए इंदू, नमिता सबको डांट रही है दोस्तों पूरा जोर से। बाबू लोग खेल रहा है ना, तो धान काटना है, इसीलिए बोल रहे लोग थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो इन्हें कहते करिए आप, तभी घर से मैं निकल चुकी हूँ दोस्तों। और बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए छाता भी ले लिए हैं। और दीदी मेरा तभी से ही वेट कर रही है, लेकिन देखिए ना क्या क्या करते करते लेट ही हो जाता है। तो आधा रास्ता जा चुकी है और वो मुझे फ़ोन कर रही है बार बार कि जल्दी आओ, तुम्हारा वजह से इतना लेट धीरे धीरे चल रहे हैं, तभी जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि आधा रास्ता दीदी जा चुकी है तो मेरे को दौड़ के जाना पड़ेगा। दौड़ूंगी तो फ़ोन हिलेगा बहुत ज़्यादा। ज्योति अभी अकेले धान काट रही है उधर में, जो हम लोग दूसरा कोई का खेती करते हैं ना, दूसरा कोई का है उसी का जमीन पे, तो वहीं अकेले गई हुई है और वही धान काट रही है। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम है, पर डे ड्यूटी जाती हूँ, तो आज छुट्टी है तो सोची आज कर लेती हूँ, क्या करूँ टाइम ही नहीं मिलता है मेरे को, तो जल्दी चलते हैं दोस्तों। आज मैं बहुत दिन बाद दीदी का दुकान आई हूँ, दीदी का दुकान बहुत खाली खाली लग रहा है, अभी दुर्गा पूजा का पूरा सामान सब साथ दिख गया है, इसलिए लोकनाथ किसको, ओ मेरा वाला ए दादा दुकान करने के लिए। और अभी इतना ज्यादा धूप भी है ना दोस्तों, पता नहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए क्या होता जाएगा कि नहीं, लेकिन जाना भी जरूरी है। आज मेरे को इतना ज्यादा काम है ना, समझ में नहीं आ रहा कि किसको पहले करूँ क्या करूँ, तभी धूप बहुत ज्यादा थी इसीलिए थोड़ा सा दीदी का दुकान पर भी खड़ा है, फिर अभी जाएंगे। और दीदी अभी सूट कटिंग करने के लिए जा रही है, चलते हैं फिर क्या होता है पता नहीं, ऐसे काम पे जा रहे हैं पता नहीं बनेगा भी या नहीं, वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, देखते हैं क्या होता है उसको। ए दादा पहुंच तो गए ढूंढते ढूंढते, इतना गली कोचा में है ना पता है, और देखिए क्या होता है मेरा काम बनेगा या नहीं, पहुंच तो गए शायद पहुंच तो गए दोस्तों, देखिए अब क्या होता है अंदर जाके पता करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग से बताते हैं क्या होगी। वहाँ से तो निकल गए दोस्तों और अभी जा रहे, पता है हम लोग तरफ इतना रास्ता पे इतना धूल उड़ रहा है ना, इसलिए मैं कवर कर रही हूँ आपको। और वो इतना डेंजर जगह पे था ना, मतलब क्या बोले, बहुत गली गली जाके जाना पड़ा, एक ठेला वाला था उसको पूछी तो पता है क्या बोलता है, मुझे पता नहीं है, और इतना हंसी आ रहा था ना, मतलब नहीं जानता होगा तो वो डायरेक्ट मना कर दिया, और हम लोग को उतना पता भी नहीं है, मतलब मेरे को भी नहीं पता है, तो इसलिए थोड़ा ढूंढते ढूंढते गए, फिर एक दुकान पे जाके पूछे तो बताएं, फिर गए तो काम तो बन गया, लेकिन क्या काम बना मैं आप लोग को कभी और नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊंगी, ये थोड़ा मतलब क्या बोलूँ अभी नहीं बता सकते हैं, और बताएंगे एक दिन पता चली जाएगी आप लोग को, उस दिन मैं बताऊंगी कि मैं क्यों आई थी इसको। तभी जा रहे हैं, फिर और कुछ काम बाकी है तो इसको भी करना है, बस थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, ज़्यादा नहीं है, बहुत दिनों से यही काम में फंसी हुई हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता इसकी वजह से नहीं कर पा रही हूँ, तभी जल्दी से वो सबको भी कर लेते हैं। और अभी 2 बजने वाला है, पता नहीं कर पाएंगे या भी नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज छुट्टी है तो जल्दी से जल्दी जो भी है उसको ख़त्म करें, अब देखिए क्या होता है।
अभी आ गए दोस्तों, और अभी देख रहे पूरा शाम हो गया, तो इसलिए जो थी मेरे को लेने के लिए आई है। सामान बहुत ज्यादा खरीदी थी, तो अभी पापा आए तो उसको दे के भेज दिए, और अभी दीदी लोग कपड़ा सिल रही है तो साथ में ही चलेंगे, तो इसलिए दीदी लोग का वेट कर रहे हैं, लोग सिलेगी उसके बाद फिर जाएंगे। और आज बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा सुबह में खाना खाया था, उसके बाद फिर कुछ खाए भी नहीं, एक जगह पानी पूरी खा रहे थे तो अच्छा नहीं लगा, और खाए भी नहीं और टाइम भी नहीं मिला खाने के लिए, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी पैदल जाना पड़ेगा हम लोग को। ये लोग कपड़ा सिल के खत्म करेंगे उस बार, जल्दी से ना रे लेते जा, फिर जल्दी कंप्लीट होने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं घर दुकान से, और दीदी साइकिल चला रही है, इतना अंधेरा है कि दीदी को दिख भी नहीं रहा है कैसे चला रही है साइकिल, अंदाजा कर करके चला रही है, पकड़ के रहना नहीं चाहिए। और हम लोग का गांव का रास्ता तो आप लोग देख लीजिए कैसा है, देखिए कैसा है, पूरा पत्थर है पत्थर है। ओ माय गॉड, कोने कोने जाइए, कोने कोने जाइए, ओ कोने कोने जाइए, इतना ज्यादा पत्थर है कि यहाँ आदमी लोग का स्कूटर जो खराब हो जाता था, हमारा साइकिल क्या होगा बताइए, आदमी क्या होगा उसको सोचा ना, साइकिल का तो छोड़ो गिराएंगे जो कि उसके बाद फिर क्या हाल होगा बताओ, साइड 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 साइड, अरे भागो रे, साइकिल वाला खराब है मैं लड़का दिखाएगी तब ना। ए भाई बदमाश लड़का लेके जाओ घर में पानी बताए, देखे ना कैसे हम लोग यहाँ लड़का लोग कैसे बदमाश है बच्चा लोग, अरे देखा डंटा लेके खाली मोबाइल वाला गिर जाओ खाने के लिए, आए आ रहे देर के देर के लेके दे खाले थोड़ा कुदार थे, ये देखिए गलू गलू दिख भी नहीं करेगा। अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, डर लग रहा है कि दीदी कहीं पे गिरा ना दे, नहीं गिराएंगे बेटी ऐसा बोलो मत, नहीं तो गिरा देंगे तो फिर मजा आएगा। दीदी का घर पहुंच गए हैं हम लोग, बड़ी माँ घर तो रही सबिता, ओ साइड 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 साइड, जो कोई भी है साइड हो जाना, दुकान में हो, हाँ सीधे रहो, ओ गुडु 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 गुडु, ये भगवान हम तो हवा में उड़ी गिर जाए, अब थोड़ा अच्छा वाला रास्ता में आ गए, ये हमारा गली का रास्ता है, मतलब हमारा घर का रास्ता, घर का रास्ता बहुत खराब है ना रे, अरे यार हमारे बाबा का क्या और बाबा का क्या कार है, वो सबका फोर व्हीलर होता है, मेरा बाप का सिक्स व्हीलर है, अरे घर में कोई नहीं है, मेरा केक है ये देखिए, ये रहा केक, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, क्या बनाएं केक बर्थडे तोर बर्थडे ले तो क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या जवानी केक, ए कागज नीचे हो ना, मीठा भी नहीं लग रहा, चीनी खत्म कर दे लग रहे थे,
कहते जोर से ध्यान सोती है चलो ज्योति इतना हार्ड सुती है रे बाप खतरनाक और अभी 9:30 बज रहे हैं पता है मैं अभी कपड़ा सिल रही हूँ नमिता का ड्रेस सिलना है तो ये मेरे को मार डालेगी अब सुबह मैं ड्यूटी भी जाना है इसलिए कैसा टोपी लगाया है और कैसा पैर तो देखिए एकदम वन एंगल वाला करके रखा है खतरनाक देख रही तो बहुत हार्ड लगता देखने ठीक है तो दोस्तों आज का ब्लॉग से यहीं तक एंड करते हैं फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय जय हिंद जय झारखंड बाय बाय करो बाय कर दो अंडा छुआ है वो हम लोग का अंडा छुआ चरको चरको अरे हम क्या जीत का गए ला हो गया।